हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फुल इंटरव्यू ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी, न्यू डिस्क्लोजर्स ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यही टाइटल डाल के सर्च कर लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आजकल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं विदेशी, वैसे भिंडरांवाला को भी टारगेट किया था कि ये धार्मिक बना देगा तो फिर कम्युनिस्टों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये झूठा खबर भेजता था हरकिशन सुरजीत कि कम्युनिस्ट का पकड़ अभी आ रही है, फैल गई है, ये है वो है। अब वो भिंडरांवाला रास्ते में। इंदिरा गांधी थे, आप वापस आइए, इंदिरा गांधी था भूमिका, ये समझा जा रहा है। इंदिरा गांधी शायद ठीक है, ये समझा गया भी ब्रिटेन दे विच फरवरी दे विच ही प्लान कर लिया गया सीगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ओदी कुछ ड्रेस रिहर्सल टाइप भी एथे हुई, लेकिन लोग अजे भी ये मानते हैं भी इंदिरा गांधी नू मिसलीड किया गया या मिसगाइड किया गया इनटू कैरिंग आउट दिस आर्मी ऑपरेशन। इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन की क्या मैं कहूँ दासी थी, माने उनकी बातों पर चलती थी, उनके कहने पर रहनी थी। इधर आधार की है, तुसी बार बार सोवियत यूनियन का नाम ले रहे हो। सोवियत यूनियन वांटेड कि सिखां दा या सिखां दा धर्म प्रचार ना होवे ऑन द बेसिस ऑफ हरकिशन सिंह सुरजीत सी पे, लेकिन थोड़े को इस चीज का कोई प्रूफ है? हाउ डू यू एनालाइज? तुसी किवें इस चीज का कंक्लूजन? मैं कह रहा हूं कि जो पेपर्स हैं ब्लू स्टार के उसको डिक्लासीफाई करो। हमारी सरकार भी तैयार नहीं है, मुझे कहा अभी नहीं। उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल है सोवियत यूनियन का। जो थोड़ा व्यू किमें बांधता है तुसी किमें कह रहे हो सोवियत यूनियन? मैं जानता हूं, मुझे सोवियत एम्बेसडर ने एक दिन एक रिसेप्शन में मिले थे उस वक्त सोवियत, उस वक्त 84 की जनवरी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि आप भिंडरांवाला को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा ये हमारी देश की मामला है, तुम्हें क्या इसमें जाता है? नो, वो CIA का एजेंट है। मैंने कहा कैसे पता है? वहाँ ट्रांसमीटर है अकाल तख्त में, वहाँ से वो कम्युनिकेट करते हैं। मैंने कहा क्या कम्युनिकेट करते हैं? कोई साजिश? मैंने कहा मैं तो 5 दिन वहाँ रह कर आने वाले वहाँ हूँ, और उस समय मैं बता दूंगा रिपोर्ट। पर तो कई बार मैं अकाल तख्त गया, और भिंडरांवाला भी लेट स्टेज में ही अकाल तख्त गए थे, वो पहले वहाँ सराह में थे। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि नो, ये CIA का प्लॉट है, देश के खिलाफ है, आपको इस पर उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो उनका क्या दिलचस्पी है कि वो एक पार्टी में आकर मुझसे बात करें? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि सोवियत रूस ने या रशिया ने इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, परसुएड किया, कोएक्स किया इनटू डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट, और उनके लिए भी घातक साबित हुआ ना। ज्ञानी जैल सिंह उनके जो झाड़ू लगाने वाले आदमी थे, उन्होंने 10 बार कहा उनसे कि मत करो, मुझे पता है। ज्ञानी जैल सिंह को आइडिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, आर्मी ऑपरेशन? हाँ, मुझे कहा एक दिन अप्रैल से मैं जब आया था तो May 1st week में कहा मुझे बुलाकर कि मेरी तो बात नहीं सुनती, तुमसे थोड़ी डरती है इमरजेंसी के काल से, तो उसको जाकर समझाओ। वैसे उसके बेटा तो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र हो गया था राजीव, तो मैं इंदिरा जी अपॉइंटमेंट लिया, और इंदिरा जी को मैंने कहा कि तुम सिखों का मंशा नहीं जानते हो, जो उधम सिंह का है या उनके जो वीर हैं, सबसे ज़्यादा तो काला पानी पार करके जेल में रखे गए तो सरदारी थे, तो ये क्यों कर रहे हो आप? तो मुझे इतना ही कहा उन्होंने, मुझसे नहीं मत बात करो, राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी राय में सोवियत का हितैषी थी सोनिया गांधी, वो दे रही थी, इसलिए वो राजीव गांधी से बात करने के लिए बोल रहा। हाँ, वो सीधा तो नहीं कह सकती थी सोनिया से बात करो, क्योंकि मैंने सोनिया गांधी की कई भ्रष्टाचार पोल उस समय भी खोल दिया था पार्लियामेंट में। तो उन्होंने फिर कहा, राजीव से मेरी दोस्ती पता था, तो उन्होंने कहा उनसे बात करो, नहीं करूँगा। अगस्त को 84 ब्लू स्टार होने के बाद मैं पार्लियामेंट के लोकसभा लॉबी से जा रहा था, तो मेरे सामने इंदिरा गांधी आ गए। उसने मुझे रोककर कहा तुमने सही कहा है,
ये मेरे पीछे पड़े हैं, अब कुछ हो सकता है। ये माने कि सिख जो उस वक्त ब्लू स्टार हो चुका था, अब कुछ हो सकता है। मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए तो तब वो बदल सकते हैं, पर तो समझौता की बात कोई नहीं करेगा इस माहौल में। तो उसकी बात उसको समझ में आ गई कि उसको बुद्ध बनाया गया है। स्वामी थोनू कदे अफसोस हुंदा है भी तुसी पिंडरांवाले संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले दे बहुत नेड़े सी, तुसी तोड़ा एक्सेस सी, वो थोड़े ते विश्वास करदे सन बहुत, इंदिरा गांधी तक भी थोड़ा एक्सेस सी, बीइंग वट एवर ट्रबल यू हैड क्रिएटेड फॉर हर इन द पास्ट एंड ज्ञानी जैल सिंह, यू वर वन परसन जो कि जे शायद थोड़ा जा होर एक्टिव हो सकता, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। वैसे इतनी जलन थी कि सारे लोग लगे हुए थे, कांग्रेस के लोग लगे हुए थे। मैं उन्होंने लोगों के बारे जानना चाहूंगा, बिकॉज ये भी समझा जाता है कि इंदिरा गांधी तो इंपॉर्टेंट, और कौन लोग सी जो इंदिरा गांधी नू गाइड कर रहे सी, तुसी सोनिया गांधी वाल या तुसी राजीव वाल इशारा कर रहे हो, लेकिन मैं समझना चाहवांगा भी ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह जो कि उस वक्त होम मिनिस्टर सन, और उन्हें गाइड कर रहे थे, दरबारा सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर से हटा चुके, दरबारा सिंह तो दूसरी बात, वो तो दुश्मनी में, लेकिन फिर इंदिरा गांधी नू एडे वड्डे ऑपरेशन एडवाइजर, मैं बताता हूं, तीन लोग थे, अक्सर, डीपी धर, और एक और जो कश्मीरी पंडित है, वो भी कश्मीरी पंडित है, और केजीबी का पक्का आदमी था, ये तीन लोग, ये सारे जो प्रो रशियन लोग थे वो थे एडवाइजर्स इसके। इंदिरा गांधी ने कभी महसूस नहीं किया कि सिखों के इतने बड़े मुद्दे पर मैं एक सिख एडवाइजर, तो क्योंकि मेरे होम मिनिस्टर और मेरे प्रेसिडेंट तक हैं, उन्होंने भी राय लेना? नहीं नहीं, उनको तो कुछ मानती नहीं थी, और सिखों के साथ मैंने बेवकूफी की, ये तो उसने अंत में अगस्त में मुझे बताया भी, गलत किया मतलब मैंने, मैंने कहा नहीं आपकी बात सही निकली, वो मुझे कहा कि ये माफ नहीं करेंगे, ये उनमें डर था या अफसोस था? डर था अपना जान का, अफसोस तो इंदिरा गांधी कभी अफसोस नहीं कर सकती थी, वो तो समझते थे नेहरू परिवार भगवान के औलाद है। तो बन तो भयंकर नुकसान इससे हमारी देश के लिए हुई है। मैं सिख समुदाय को बधाई देता हूँ कि आज भी इतना होने के बाद वो हमारी देश में हमारे बल बन के बैठे हैं, हर जगह में हैं, और परंतु उनके साथ न्याय होना चाहिए। थोड़े सा की होना चाहिए दासीगा, कोई जैसे अपार्टहाइड में अफ्रीका में वी हैड दिस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, इस किस्म का कुछ भी नहीं हुआ, ना ब्लू स्टार में हुआ ना राइट सिख, अभी नहीं हो सकता। पहला आप ये 84 के जो इन लोगों ने किया, सबको पता है किसने किया, दंगे, दंगा, हाँ 84, हाँ हाँ 84 में दंगे अक्टूबर, उसका इसको जेनोसाइड कहकर कोर्ट में चला। मैंने उनका जो वकील थे फुलका, उनसे भी कहा था, उन्होंने कहा कि मैं आके आपको बताऊंगा, पर कभी नहीं आए। अच्छा वहां भी हो सकता है कि लोग मुझे घुसने के लिए पसंद नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी कितने पहुंचता रहे नहीं मामले, वो कोटा में भी चल रहे नहीं, ये आईपीसी में तो कभी नहीं पहुंचेगा, इसको जेनोसाइड बनानी चाहिए, जेनोसाइड बने, जेनोसाइड कन्वेंशन लागू होगी, फिर उसके जो एविडेंस की एक्ट है उसको उसमें संशोधन होगा लीगली, इट इज पॉसिबल। मैंने तो पार्लियामेंट में मैंने एक रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया है, उसका बैलेटिंग नहीं हुआ है अभी, परंतु अब आई मीन लिस्ट में है, तो ये तो पहला दिस स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस लेवल ऑफ आप कही कन्विक्शन दैट द गवर्नमेंट्स हैव हैड, कांग्रेस का हाल देख लिया, असी बीजेपी का हाल देख लिया, हुन 4 साल तक बीजेपी दे हो गए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज भी कोई कहना भी छत्ता है, मधुमक्खियां का छत्ता है, कोई उन्होंने हाथ नहीं पाना चाहता, सो नोबडी इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिकंसिलिएशन, और कोई करेगा भी नहीं, तो ये तो एक विशफुल थिंकिंग रह जाएगी जो जो तुसी कह रहे हो। नहीं नहीं, इतना निराश नहीं होना चाहिए, यहूदियों के साथ भी जो न्याय हुआ बहुत साल लगे, और आज जो अन्याय आरएसएस के साथ हुई, 3 बार बैन हुई, उसका भी आज इलाज हो रहा है, और इसको नहीं छोड़ना है, होगा जरूर। मैं जानता हूँ हमारी बीजेपी में लोग हैं कि इसको किस तरीके से हम ख़त्म किया जाए। अब ऐसे भी लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी में मामला ना आ जाए।
मिलिट्री का जो कमांडर इन चीफ था सुंदर जी, उसने कहा कि 4 घंटे में मैं पूरा कर दूंगा ऑपरेशन जी। उसको टैंक लाना पड़ा इसीलिए क्योंकि वो 2 दिन के बाद भी कुछ नहीं कर सके। फिर आखिर में फिर टैंक लाकर सब तोड़ फोड़ करके अकाल तख्त को ही उड़ा दिया। आर्मी जनरल्स को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इसमें, इस कैलकुलेशन के लिए? नहीं, उसमें आर्मी जनरल्स जो थे जैसे जनरल सिन्हा, उसको तो इंदिरा गांधी ने निकाल दिया। उसने वो उस समय इंचार्ज था पंजाब का, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि बेवकूफ भी मत करिए, ये तो सुलझा जा सकता है आसानी से, मिलिट्री करोगे तो ये सदा के लिए जख्म होगा। और वही हुआ, और उसको तो निकाल दिया। फिर वो हमारे साथ आए, हमारी पार्टी के साथ आए, तो अब वो फिर गवर्नर बन के, जब इंडिया आई तो गवर्नर बने। जनरल सुंदर जी, जनरल वैद्या जो आर्मी चीफ थे, बुलबुल ब्राड, आरएस दयाल, मैं सुंदर जी के बारे जानता हूँ। उन्होंने ये कहा था ये तो 2 घंटे की 4 घंटे की बात है। दे आर ऑल पॉलिटिकल जो फियास्को था इन टर्म्स ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, क्या वो मिलिटरीली और आर्मी लेवल पे हैंडल हो सकता था? दो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आर्मी लेवल में जो मंशा आपकी राजनीतिकों की दिखती है उसके अनुसार वो टेलर करते हैं। हाँ, क्योंकि प्रमोशन ये सारी चीजें इस पर निर्भर है। चापलूसी हमारे देश में अभी भी एक बीमारी है। लेकिन इस भिंडे वालों को गिरफ्तार करने की बात होती सिर्फ इतना, वो भी गलत होता, परंतु तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो हरमंदिर साहिब है उसमें पानी बिजली सब काट दो, सराउंड कर लो और कर्फ्यू लगा दो, वो तो उससे हो सकता था। बट आसान रास्ता तो था ये कि बातचीत करो, उसको बुलाओ, बात करो। बातचीत का रास्ता किसकी तरफ से बंद हुआ था? इंदिरा गांधी की तरफ से बंद हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे उन्होंने कहा कि बातचीत कराओ। पहले जैल सिंह ने भी और इंदिरा जी का भी। हाँ, इंदिरा जी, जैल सिंह ने भी कहा मुझसे। सिर्फ बूटा सिंह कहते थे बच के रहो, ये सरदार लोग ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, और वो पीसी सेठी था, वो होम मिनिस्टर, वो तो आधा पागल था इस बात पर। तो ऐसे लोग थे जो उसको भड़का रहे थे, बट ज़्यादा सोवियत माइंडेड लोग, कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्टों का देख लीजिए, वो खालिस्तान मूवमेंट तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 1944 में शुरू किया था। अब वो बुकलेट निकाला था, ये नाम तो उस समय दिया गया था, और ये हरकिशन सुरजीत भी लगा हुआ था। किसी तरीके से सरदार की जो राष्ट्रवादिता है उसको ख़त्म करना है। और हमारे लोग में भी, हिंदुओं में भी लोग पागल हो गए। मुझे तो रोज एडिटोरियल में गाली देते थे लाला जगत नारायण। लेकिन ये लाला जगत नारायण का आपने रेफरेंस दिया, जो हिंदू एक पोलराइजेशन हुआ, हिंदू डर गया था उस वक्त पंजाब का, हिंदू सीगा जड़ा वो डर गया सीगा। लेकिन थोड़ा लादा भी आज वो चीज खत्म है कि आप मानते हैं, क्योंकि आज अकाली दल बीजेपी एक सरकार रही है, तो काफी हद तक कुछ सेंटीमेंट नहीं है। इतना नहीं जितना सुदर्शन जब सरसंघचालक थे, उन्होंने तो कदम ही उठाया था, उन पर विश्वास करके बहुत लोग आए थे। आज भी मैं कहता हूँ आरएसएस में, ये जब हिंदू राष्ट्र बात करते हैं हम, धर्म के दृष्टि से हम सिखों को हिंदू नहीं मानते, बट ये संस्कृति हमारी हमारी मिट्टी से ही आए हैं ना, और हमारी जो बातें कही हैं उसमें राम लक्ष्मण सब आपके ग्रंथ साहिब में है, गुरबाणी में सुन सकते हो। तो ये हमारे रिश्ते इनकी इतनी निकट है, इसको हमारे देश में एकता के लिए इनकी जरूरी है, ऐसा आरएसएस में बड़ा स्ट्रांग फीलिंग है। और कभी मुझे उस वक्त भी था 84 में भी था। मेरा आखिरी क्वेश्चन थोड़े तो सुब्रमण्यम स्वामी की लगता भी अपनी जड़ी भी तुसी भूमिका अदा की, तुसी रुख बदल सकते सी के जो कुछ होया, तो थोड़ा लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू भिंडरा वाले एंड टू इंदिरा गांधी की सी? इंदिरा गांधी को मैंने कहा कि आपके पास कोई भी जानकारी हो लेकिन सिखों के साथ लड़ने के पहले 1000 बार सोच लीजिए, ये एक बार लड़ने के रास्ते में आ जाएंगे तो जान भी चले जाएं छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आपको थोड़ा भी डाउट है तो फिर दोबारा पूछ लीजिए। संत जी को मैंने कहा कि आपको खालिस्तान चाहिए तो पहले मुझे मारो, मैं सामने बैठा हूँ। तो हंसने लगे, वो पंजाबी में कहा कि कौन कहता है मैंने खालिस्तान मांगा है, आप लोग दे रहे हो, मैं कहता हूँ दे दो। तो मुझे तो इन सब का बिल्कुल साफ मैंने बात की थी, देश का टुकड़ा होने नहीं दूंगा। विदेशों में भी आज भी कहता हूँ, जब
खालिस्तान में नहीं मानूंगा। अभी जो कनाडा ने किया, मैंने सबसे ज्यादा कंडम किया, तो वहां के सिखों ने कहा कि आप बदल गए, मैंने कहा कौन सा बदला हूं, मैंने कहा खालिस्तान तो मानूंगा नहीं। हाँ, पंजाब का नाम खालिस्तान रखने चाहते हो तो कुछ मुझे आपत्ति नहीं, परंतु अलग देश मैं नहीं मानूंगा। सिखों के बिना हम लड़ भी नहीं सकते, सिख हमारा बाजू है, सिख हमारा साहस है, उसको नहीं छोड़ सकते। सिख हिंदुस्तान दा बाजू है, साहस है, यही कहना है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जिन्होंने कि बहुत विस्तार नाल वो सारे घटनाक्रम तो उन्होंने मुख्य किरदारों के नाल जो उन्होंने राबता रहा उस बारे दिल खोल के गल्लां थोड़े नाल साडे नाल साझे कीते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, एंड वी होप कि जेडे भी लोगों ने खास करके जेडे सिख समुदाय सिख समाज के लोग हैगे ने वो इस शो नू इस प्रसारण नू वेख रहे ने, उन्हां नू कई नवे परस्पेक्टिव इस पूरी गलबात तो मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ा प्रोपेगंडे के रूप में पाए भावें इंडियन स्टेट वालों फैलाई गई या उस तो बाद के कई सालों के जेडे वक्वादी अंसरां ने अपने मनसूबों नू पूरा करन लई फैलांदे आ रहे हैगे ने, वो सारा प्रोपेगेंडा हैगा। समझन की गल उही हैगी जो स्वामी साहब ने इशारा किया भी जी नैशनल इंटेग्रिटी है, हिंदुस्तान की अखंडता है, उस उत्ते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, ज़्यादा अधिकार ज़्यादा हकों हकूबा की जी गलबात है वो जरूर होनी चाहिए है, तो उस तो भी वध जी इन्होंने गल कही है उस वे न्याय की इंसाफ की गल जरूर होनी चाहिए है, जो कि 34 साल बाद अजे तक ना तो नीला साका नीला तारा ऑपरेशन तो ना ही सिख कतलेआम के मामले हो पाया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी साडे नाल इस गलबात की। वीडियो देख के बहुत आई ओपनिंग वीडियो है, और जितना उन्होंने फ्रैंकली बोला है ना, सब कुछ बताया कि उनकी खुद की जो पर्सनल टॉक्स हुई थी इंदिरा गांधी के साथ और क्या हुआ सब उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन अगेंस्ट था कौन फॉर था। और सबसे शॉकिंग था कि जैसे उन्होंने बताया कि कोई एक मिलिट्री के थे जिन्होंने बोला था कि ये नहीं करो, ये बातचीत से बात सुलझ सकती है, आप ऐसा का स्टेप्स मत लो, तो उनको निकाल ही दिया। फिर वो कह रहे हैं कि गवर्नर बने हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी शायद उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, पर वही है ना कि अगर आप इस टाइप से एडमिट हो जाए बातचीत ना करो तो कंट्री पे कितना अफेक्ट होता है वो देखो। और मुझे तो उस बात पे, क्योंकि हमने तो, मैं आपको हर बार ही जब इस बारे में बात होती है, हम तो मैंने तो अपनी आंखों देखी हुई है, हम लोग छतों से ऊपर देखते थे बाहर, वहां धुएं हो रहे थे, आग आवाजें आ रही होती थी, और एज किड्स हम डरे हुए होते थे कि ये क्या हो रहा है, कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा भी कोई ह्यूमंस जो होते हैं वो कुछ कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट था ना, वो जो फेस था हमारी लाइफ का, वो कभी भूलेगा नहीं, हमको अभी तक याद है, हर एक एक चीज याद है जो हमने सुनी भी थी। और एज किड्स तो हमारे साथ कोशिश तो यही होती थी बड़ों की कि इनको कुछ पता ना चले क्योंकि बच्चे हैं, पर कुछ कुछ सुनाई देता था, कई बार ऊपर जाना तो दूसरे नेबर्स जो हो रहे थे वो बात कर रहे होते थे, तो कोई एक बच्चा सुन लेता था, फिर हमको आके सबको बताता था कि वहां पे तो वो कह रहे हैं कि उनको टायर्स के से लगा के टायर्स जला रहे हैं या पता नहीं क्या क्या बताते थे, और सुन के हम इतना हैरान होते थे कि ये बड़े लोग कर क्या रहे हैं इतने बड़े बड़े, क्योंकि हमारे लिए तो होता था कि बड़े समझदार होते हैं, पर ओ माय गॉड दैट फेज वाज बहुत। और अब देखे अब वो ही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, जिन्होंने ये काम किया उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बहुत दुख की बात है कि अभी तक नहीं हुआ है, पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तब जो है जो घाव है कुछ तो भरेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी अच्छा वीडियो था, इसमें इन्होंने बेसिकली यही कहा था कि इसमें रशिया का हाथ था, उन्होंने क्लियर किया है कि सीपी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कंट्रोल करना, तो रशिया चाहता था कि इंडिया भी कम्युनिस्ट हो जाए, उन्होंने इंदिरा गांधी को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था, वो चाहते थे अपने एजेंडे के लिए, इंदिरा गांधी ने ये सब किया है रशिया के आके दबाव में आके, लोगों ने बहुत समझाया उनको कि ये ठीक नहीं है, मगर वो करती चली गई, जब हो गया तो लोगों ने कहा वापस नहीं आ सकते, तो उसके बाद सभी को पता क्या हुआ। और यही कह रहे हैं कि, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी किया था वो गवर्नमेंट ने किया था, कांग्रेस ने किया था और गलत किया था, और जो मिलिट्री वाले अच्छे थे सिन्हा जी जो कह रहे हैं उन्होंने यही बोल दिया था ये ठीक नहीं है, तो उनको भी मतलब निकाल दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी इतने हुए हैं कि अभी तक खालिस्तान की पॉइंट आ गया है वो सब। और वो कह रहे हैं कि जो संत जी थे भिंडरा वाले, उनका ऐसा कोई पर्पस नहीं था करने का, उनको यूज किया गया था दिखाने के लिए कि आप बैड एक्टर हैं जिसे ये सब किया जाए, अननेसेसरी दरार पढ़ाने के लिए कि ये सब होगा,
और कांग्रेस दिखाएगी कि हमने जो है कोई इलीगल एक्टिविटी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी को क्रश कर दिया तो हमें वोट्स आ जाए, तो मतलब बहुत ही मडषड्यंत्र टाइप था ऐसा ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आज भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता करना चाहिए क्या हुआ, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सिख बड़े पावरफुल हैं, सिर्फ 2% है और 20% उनकी प्रेजेंस है आर्म्ड फोर्सेस में, तो वो कह रहे हैं कि देश के लिए कंट्रीब्यूशन सिखों का ग्रेट है। ये मेरे ख्याल से मोदी जी ने भी एक हमने सुना था, उन्होंने भी तब बोला था कि उनका हम कैसे भूल सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन ग्रेट है, हम इंडिया को कभी टूटने नहीं देंगे, मगर जो रिस्पॉन्सिबल था ये सब काम के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। आपको वो कह भी दें कि कोर्ट में केस करिए, अभी भी आप कोर्ट में केस करिए और देखिए फिर क्या होता है। और क्योंकि अब गवर्नमेंट बीजेपी की है तो डेफिनेटली कुछ होगा। वो खुद भी कह रहे हैं कि हम भी चाहते थे, आरएसएस वाले भी चाहते थे कि मतलब सब कुछ अच्छा रहे, मगर आरएसएस तक को बैन कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट भी अब कुछ ना कुछ होगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।